ज्योति ब्लॉग्स टेबल 7। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, वैसे हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। आई थिंक एक महीने बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला था। मैंने सोचा वही सारा डेली का देख देख के आप सब बोर हो जाएंगे, तो कोई टॉपिक मिलेगा तभी मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और वैसे मैं कुछ परेशान भी थी, तो जैसे मैंने बताया कि मैं हाथ से परेशान, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी आँख में भी कुछ हुआ है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ काट लिया है, मुझे समझ ही नहीं है क्या हो गया। कह सकते हैं ना कि परेशानी अभी पीछे ही नहीं छोड़ रही है, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है और कोई टॉपिक भी नहीं मिला था। तो वैसे आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं हमारे सास ससुर का सालगिरह है, उनकी एनिवर्सरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए आप लोगों के साथ। तो वैसे तो हम कुछ ऐसा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बस फैमिली में ही जो कुछ होता है वही सारी चीज़ें हम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी सासू माँ को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए मालपुआ एंड रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी मैंने रख दिया, वो पक रहा है, एंड मालपुआ का जो बैटर होता है वो भी तैयार हो गया है। चाशनी भी मैंने लगभग तैयार ही कर लिया है, तो बस अभी इसको फ्राई करना है। और हमारा और भी कुछ प्लान है, गर्मी तो बहुत है, तो देखते हैं कि जो हमारा प्लान है वो रात तक बना रहता है कि नहीं, इसीलिए मैं आपसे नहीं बता रही हूँ। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहिए, जो कुछ भी होगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमारा प्लान है आज दिन भर का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अभी किचन में जा रही हूँ, तो चलते हैं किचन में। हे फ्रेंड, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरी चाशनी जो मालपुआ की चाशनी है, और ये है मालपुआ का बैटर। मैंने थोड़ा ही बनाया क्योंकि मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ ये चाशनी वाला, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा ही ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर कभी ज़्यादा बनाएंगे, अगर ख़राब हो गया तो अफसोस नहीं होता ना कि मेहनत वेस्ट हो गया। तो अभी मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये है देसी घी जो कि गर्म हो चुका है, और अब मैं इसको मालपुआ फ्राई करूँगी। और ये है वो रबड़ी जो मैं पिछले एक घंटे से पका रही हूँ, और पकाते पकाते बोर हो चुकी हूँ। वैसे टेस्टी भी काफ़ी लगता है, तो टाइम भी लगता है। मैं इसको बहुत संभाल के कर रही हूँ आपको दिखाने के चक्कर में। ये वैसे अच्छी बन रही है। रबड़ी जो मैं इतनी देर से बना रही थी, है ना, बढ़िया सी यम्मी यम्मी। तो ये मैं अपने सासू माँ को खिलाऊंगी आज। हे गाइस, तो मेरा मालपुआ बन चुका है और अभी मैं कर रही हूँ आराम। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो 5 बजे मुझे थेरेपी के लिए जाना होता है। एक्चुअली हाथ पे अल्ट्रासोनिक मसाज इस समय हो रहा है, उसकी थेरेपी चल रही है, तो 5 बजे उसके लिए जाना होता है। तो मैंने सोचा था तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड जी का पैर है, ये भी लेटे हुए हैं, तो आज ये भी थोड़ा लेट में लंच किए हैं, ये भी सो गए हैं। तो 5 बजे अभी ये उठेंगे तो हम जाएंगे थेरेपी के लिए। और गर्मी तो बहुत है किचन में, तो नहा लो अच्छे से पसीने से। और मम्मी जी भागवत सुन रही है टीवी पे, आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, तो वो भागवत सुन रही हैं अनिरुद्ध महाराज जी का।
और बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मसाज के लिए जा रही हूँ और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरा मसाज, मेरा ये जो थेरेपी है वो कैसे होता है। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी थेरेपी के लिए और ये है वो थेरेपी। इसमें सबसे पहले कोई जेल अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद कोई मशीन रहती है, उसी से हल्के हाथ से मसाज करना होता है। बोलते हैं कि उसमें से कुछ रेज निकलती हैं जिसे नसों की सिकाई होती है, तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है। मैं इसको पूरे एक हफ्ते से करवा रही हूँ और करवाते करवाते पूरी पक चुकी हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ आप भगवान से प्रे करिए कि मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो जाए और मुझे सबसे छुटकारा मिल जाए, प्लीज़ गाइस। तो आप देख सकते हैं यही है वो मशीन, इसे काफ़ी अच्छी टेक्निक है। अभी तो ये हर जगह अवेलेबल है, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप भी ये करवा सकते हो, ये सारी जगह अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं थेरेपी करा के आ चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को रेडी कराने, उन्हें मंदिर जाना है, उसके बाद हम सब भी रेडी होंगे और आज हमारा बाहर डिनर का प्लान है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइज़, आप देख सकते हो कि मम्मी अपने पैर में रंग लगा रही हैं। वो बोली कि मैं एक पैर में लगा लेती हूँ, तब तक तुम अपना वीडियो बना लो और फिर दूसरे में तुम लगा देना। तो देख सकते हैं मम्मी एक पैर में लगा ली और दूसरे में मैं लगा रही हूँ और मुझे रंग लगाने में बहुत मज़ा आती है। और उसके बाद मैं मम्मी को साड़ी वगैरह पहना रही थी, तो पिनअप कर रही थी थोड़ा सा, और मम्मी ने कहा कि वो तैयार होकर चले जाएंगी, फिर हम लोग रेडी होने जाएंगे। तो फिर मम्मी को रेडी करने के बाद मैं भी रेडी हो गई। हाय गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने मम्मी को भी रेडी कर दिया था, उन्हें मंदिर जाना था। वैसे तो मम्मी पापा मंदिर से होके आ गए हैं, तो अभी बाकी सब डिनर के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं आपसे वहीं पर। और नेहा भी आ चुकी हैं रेडी होके, तो बाकी सब रेडी हो चुके हैं, बस हस्बैंड आ जाए, मुझे निकले हैं, तो उसके बाद हम सब निकलते हैं, तो आपसे वहीं पर मिलते हैं। तो गाइज, ये है वो जगह जहाँ पर हम सबसे पहले आए, तो ये जगह लेकिन कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा थी और बड़ी टेबल जो थी वो खाली नहीं थी, तो हम दूसरी जगह जाने का प्लान बना लिए। वैसे तो हम अक्सर यहाँ पे आते हैं, ये भी अच्छी जगह है। ये है वो दूसरी जगह जहाँ पर हम आए हैं और ये बड़ी जगह है, फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी है। और हमने मतलब डिनर पहले ही ऑर्डर कर दिया है, ये हुआ कि पहले डिनर ऑर्डर कर देते हैं फिर केक कटिंग करते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, वो बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड, मेरा शोना कितना हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी जोड़ी कैसी लगती है। और ये है वो केक जो हमने ऑर्डर किया है मम्मी पापा के लिए, तो हम केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद डिनर हमारा आ ही रहा है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें। सब लोग खाने में लग गए हैं, अब मैं भी शुरू हो जाऊं, तो मैं खाना खा लूं। नान रोटी भी तो बोलते थे ना, हमारे लिए महंगा ही है। अब हम घर के लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बाकी के लोग अभी अंदर हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। हे गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे, तो जो मेरा डिनर था वो बहुत ही मस्त था, मज़ा आ गया खा के। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉगिंग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का जो ब्लॉग है, जो वीडियो है, वो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग इन्जॉय करूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।
किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।